अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपने आर्टिकल्स की वीडियोस बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम एक टूल इस्तेमाल करेंगे, ल्यूमन 5। तो इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। वो करने के बाद मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं लॉगिन करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्रिएट वीडियो पे जाना है और यहाँ से आप जो मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। मैं लिंक से करूँगा। ओके, सो ये लिंक कॉपी किया और 10 बेस्ट कर लेते हैं। आर्टिकल का लिंक कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। जो सा आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का स्टाइल और इमेज का स्टाइल। तो वीडियो के लिए मैं फर्स्ट वन चूज कर लूंगा। ओके, तो सबसे पहले थोड़े जंक को खत्म करेंगे। आप चाहें तो इसे सिंपल रख सकते हैं या अगर आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब प्रोडक्ट्स के लिए एक एक स्क्रीन बना लें। टेन प्रोडक्ट्स हो गई। अब इन सब की इमेजेस अपलोड करेंगे वन बाय वन। ज़्यादातर तो ये खुद ही फैच कर लेता है, लेकिन कभी कभी किसी प्रोडक्ट की नहीं भी फैच होती इसे, तो उसके लिए वो हमें मैन्युअली डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ेगी। मीडिया अपलोड्स, अपलोड मीडिया, और यहाँ पे अपलोड कर दें। अपलोड और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। अब इस तरह सेकंड वन AI कोशिश करती है कि वो अपने से भी रेलिवेंट
वीडियोस वगैरह जनरेट कर ले या जो उसे बेहतर लगे वो इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इसने पिक की है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा डिटेल बनानी हो तो। मैं तो आपको सिंपल बना के दिखाऊंगा। ओके सो इसे 2 में ड्रॉप कर देंगे। इस तरह ये थर्ड वन, अपलोड मीडिया, इस तरह करके आपने ये सब प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगा देनी है जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट 3 दिखाई है। तो प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो यहाँ से आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगे वो आप म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये अच्छा लगा है तो ये सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आपने चेंज करनी हो थीम तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने दोबारा रेजोल्यूशन सेट करना हो तो वो कर सकते हैं। और इस सारा कुछ करने के बाद आपने प्रीव्यू करके एक दो बार चेक कर लें, अगर आपको अच्छी लगे तो आपको लगे सारा परफेक्ट है। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं हर एक स्लाइड का। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड रहे या 6 सेकंड रहे तो उसके हिसाब से यहाँ से इसकी कस्टम लेआउट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट एडिट करना है तो डबल क्लिक करें तो वो भी हो जाएगा। और अगर लेआउट चेंज है, फॉर एग्जांपल ये वाले लेआउट ज़्यादा बेहतर लगते हैं तो मैं ये सेट कर दूँगा। अगर इसकी ये वाली ज़्यादा बेहतर लगती है तो मैं ये सेलेक्ट कर दूँगा। और इस तरह का अब पब्लिश कर दूँगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा तो ये 10-1 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी रेंडर होने के बाद। तो उसके बाद आप इसे डाउनलोड करके तो यूट्यूब पे अपलोड कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।